क्या नाम है? पकोड़े वाला। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, इस वक्त व्यूअर मैं मौजूद हूँ दरियाए स्वात के बिल्कुल किनारे पर, और यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ मौजूद हूँ। मेरा प्रोग्राम है कि यहाँ पर मैंने 2-3 दिन का क्याम करना है, फिर यहाँ पर एक झील है उसका भी विज़िट करना है। तो फ़िलहाल अभी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, फैसल मूवर की गाड़ी पर 8 घंटे के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी थकावट भी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत है कि हम होटल के रूम में बैठ नहीं सके हैं। तो फिर हमने यही तय किया है कि बाहर चलते हैं, कालाम बाज़ार का विज़िट करते हैं, साथ हैं ये दरियाए स्वात को इसका भी विज़िट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैं दरियाए स्वात है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप इसे लाइट ग्रीनिश भी कह सकते हैं, इतना खूबसूरत कलर है इसका इस वक्त, और इस वक्त है इसकी रवानी काफ़ी तेज़ भी है। और मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में सयाह पूरे पाकिस्तान से और आउटसाइड द कंट्री यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि यहाँ का वेदर है इंतहाई खुशगवार है, अगर आते हैं तो अपने साथ स्वेटर या जैकेट ज़रूर साथ ले गए हैं, क्योंकि रात को या फिर यहाँ पर बारिश हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा वेदर ठंडा हो जाता है। बस यही कहना था आपको। होटल का नाम क्या है? दाऊर टेस्टी पॉइंट, मेन बाजार कालाम। क्या नाम है? पकोड़े वाला। दोबारा बोले? पकोड़े वाला। मैंने फुल नेम बताएं अपने एक होटल का। सर का दाऊर टेस्टी पॉइंट, मेन बाजार कालाम। जो व्यू करवाना चाह रहा हूँ वो जो पहाड़ मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं, जून के अंदर हैं यहाँ पर है, अभी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बर्फबारी हुई है। आप यहाँ पर हैं विजिटर का अभी जो रश देखें, पूरे पाकिस्तान से बल्कि आउटसाइड कंट्रीज भी बहुत है यहाँ पर सयाह विजिट करते हैं। ये दरिया स्वात को आप देख सकते हैं और इसकी रवानी यहाँ पर है काफ़ी तेज़ है। दरिया के दोनों अतराफ में यहाँ पर हैं होटल वगैरह काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, रेंट वगैरह यहाँ पर हैं जो दरिया के किनारे या मेन रोड के ऊपर होटल हैं वो महंगे होटल हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा साइड एरिया में जाएँ तो वहाँ पर हैं 2000-1500 की रेंज में भी होटल दस्तियाब हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई जगह पर नए इलाके के साथ। अल्लाह हाफिज़।